गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो दूसरा आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे, लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा सत्र का आखिरी दिन काफी हंगामे वाला रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे के पारिवारिक मुद्दे पर भिड़ गए। सदन में विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि निजी मुद्दे पर बहस हुई। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव का नाम लिए बिना एक बयान दिया था कि कुछ लोगों को बेटियों पर भरोसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के इस बयान को आज सदन में उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री उम्र में हमसे बड़े हैं और हम बड़ों का सम्मान करते हैं, हमारे माता पिता ने हमें यह संस्कार दिया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि सदन में चाचा भतीजा नहीं चलता है, अब नीतीश कुमार सीएम है और हम नेता प्रतिपक्ष। आइए आपको सुनवाते हैं सदन में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री जी क्या आपस होते हुए बौखलाहट जो सत्ता जाने का किसने ही नहीं देखा? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा महोदय? चुनाव के दौरान बड़े हैं हम सम्मान करते हैं, हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है कि बड़ों की सम्मान करनी चाहिए। महोदय आप शांति बनाए रखे, सुना गंभीरता से सुना, मौका मिलेगा सबको। अरे अपनी बात रखिए, हम तो आदरणीय नीतीश जी को चाचा के नाम से बोलते थे, चाचा से संबोधन करते थे, लेकिन अब तो सदन में कोई चाचा भतीजा तो होता नहीं है। अब तो सीएम है और हम लीडर ऑपोजिशन है, अब तो प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना पड़ता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा थोड़ा सा मैं उस पर गौर आप लोगों को रखना चाहता हूं। बौखलाहट में गुस्सा निकल रहा था, लोग बच्चे गिन रहे थे किसके कितने बच्चे होते, क्या मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी की थी उस समय, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में। आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था, तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, दो लड़कों के बाद ही मेरी एक नेता प्रतिपक्ष आप आसन की ओर देख के बोले, आसन की ओर एक मिनट आसन नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देख के बोले, हमारी एक छोटी बहन है और शांति बनाए रखे। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे, लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लोग तो ये भी कहते रहे हैं, शांति बनाए रखे, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। नेता प्रतिपक्ष आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, संयमित भाषा का ही उपयोग करेंगे, यह दर्ज है। नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी को समझते हैं, आपसे आगे हम अन्य सदस्य दर्ज है, यह संयमित भाषा का ही उपयोग करेंगे, आप दर्ज है। महोदय और आप नेता बोल रहे हैं, आप लोग क्यों आपकी सर, हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं, मुद्दे की बात, मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई
बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने बेटा बेटी के मुद्दे पर क्या कुछ कहा। इसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा कि यह एक गंभीर मसला है कि मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा चला और मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार बौखला गए। उन्होंने सदन में खड़े होकर स्पीकर से कहा कि यह झूठ बोल रहा है, आप जांच करवाई और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनिए सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। समय बढ़ाना पड़ेगा, समय बताइए जल्दी। समय ठीक है, एक और बढ़ा दिया जाएगा क्या? ठीक ठीक बोलिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय आ चुका है महोदय, एक बार बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष सपकास ही बोल रहा है, बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए। साफ है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने भाग दिया था, मेरा भाई समान कोर्स का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता पर किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, क्या पता है इसको? डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आप जब इस पर आ रहा था हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर इसी तरह से आप चला गए, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं सत्रह में एक्सप्लेन किया था? आज चार सीटें है, आज सदन में शांति बनाइए। माननीय सदस्यगण, ये सब बर्दाश्त के बाहर आपने डिमांड किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले, हम जब बोलने लगे तो आप लोग घर से सुनते नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप शांति से सुने, यही वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह आग बबूला हो गए और उन्होंने सदन में खड़े होकर के तेजस्वी को जवाब दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।